Welcome back to my new video. My name is Kamran Ahmad. You are watching Kamran Info. As you know that working Genpack is a process associate as well as I'm running a YouTube channel for your support. I have uploaded lots of videos regarding Genpack onboarding, hiring process, CFM related videos, job related videos available on my channel. आप चेक आउट कर सकते हो. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते. लाइक नहीं करोगे चलेगा यार, सब्सक्राइब कर दो. अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा. अगर मैं मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट डिलीवर करूंगा और जिससे आपको आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आपको जॉब मिलेगी, आप एक अच्छा कैरियर डिसाइड कर सकते हो, एक अच्छी जॉब पा सकते हो. आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बिना सब्सक्राइब किए जाओगे नहीं. तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बढ़िया टॉपिक पर. किस टॉपिक बात करेंगे कि एक जॉब पाने के लिए, एक बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, हम किस चीज़ की तैयारी करें, किस चीज़ को हम इम्प्रूव करें. पांच टॉपिक, पांच चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं. सबसे पहली चीज़ ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, किसी भी एक्सट्रीम से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो. ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कॉलेज से कंप्लीट करना है, बहुत अच्छी डिग्री आपके पास होनी चाहिए. नहीं, आप नॉर्मल कॉलेज से भी कंप्लीट कर सकते हो. आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास इतना पैसे नहीं है मिडिल क्लास लोगों के पास कि हम 2-4 लाख 10 लाख दे के अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें. आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो 2-4 10 लाख में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा. नहीं होगी, हम सब मिडिल क्लास वाले हैं. तो अगर हम 10 लाख दे के ग्रेजुएशन करते या आप करते तो आप मेरी वीडियो देखने नहीं आते. आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता ना तो बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आपके कॉलेज आती और आपको हायर करती. बट वो हमारे साथ नहीं होने वाला है, हमें खुद जाना पड़ेगा स्किल लेके. सेकंड थिंग, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस होगा. अब आप बोलोगे कि एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, जब काम करेंगे तब तो एक्सपीरियंस आएगा. आप मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जॉब मिल जाती तो अच्छी बात, अगर नहीं मिल रही तो आप कहीं छोटी मोटी कंपनी में, सीए फर्म में या किसी एडवोकेट के अंदर में आप अकाउंट्स का काम सीख करके एक्सपीरियंस लेके देन आप अप्लाई कर सकते हो, तब आपको इजीली जॉब मिल जाएगी. ग्रेजुएशन होना प्लस एक्सपीरियंस होना. थर्ड नंबर, इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एमएनसी. यू मस्ट हैव गुड इंग्लिश लैंग्वेज. You must have able to explain about you, about qualification, about role and responsibilities, about each and everything in a proper way. English language communication skill is the most important thing which helps you to get job in MNC. I would like to request you, please improve your communication English language skills. Join any institute, learn from YouTube, join any lots of group available on telegrams from which you can improve your communication skill and English language. So these things are very important thing to get job in MNC. The fourth number thing is skills. What skills you must have? Excel, MS Office, email writing skill, computer knowledge, these kind of skill you must have. At least you must have one ERP tool, ERP software skill. You can learn Tally, Excel, MS Office, as well as you can improve your computer skills. These kind of things helps you to get job in MNCs. The last thing, आपको एक अच्छी CV बनानी पड़ेगी. एक अच्छी CV आपको जॉब दिलाने में बहुत हेल्प करती है. आपके पास सब कुछ हो, कितनी भी अच्छी डिग्री हो, कितनी भी अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज हो, कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस हो, कितनी भी अच्छी स्किल्स हो, आपकी सीवी अच्छी नहीं तो आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट होगी नहीं. आपको मौका ही नहीं मिलेगा इंटरव्यू देने का, अपनी स्किल्स, अपना कम्युनिकेशन इंग्लिश हो करने का मौका ही नहीं मिलेगा. तो सबसे पहली चीज़, आप एक अच्छा सा सीवी बनाओ जिसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन करो, स्किल्स को मेंशन करो, एक्सपीरियंस को मेंशन करो, क्वालिफिकेशन मेंशन करो, अपना एड्रेस मेंशन करो, नंबर मेंशन करो, क्या इंटरेस्ट है, सब कुछ मेंशन करो. एक अच्छा सा फॉर्मेट हो जिसमें सब कुछ
इजली विजिबल हो। ऐसा नहीं कि आप सीवी बना दियो, सीवी में सब कुछ है, जो जो रहना चाहिए सब कुछ है, बट एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। तो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए जो देखने में अच्छा लगे। ग्रेजुएशन एंड एक्सपीरियंस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर स्किल्स एंड सीवी, पांच चीज़ें। आप पांच चीज़ें एक प्रॉपर वे में करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। ये सारी चीज़ें फॉलो करो, एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर वे में फॉलो करो। अगर आपकी जॉब लगती है मल्टीनेशनल कंपनी में तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? सबका ये क्वेश्चन होगा कि हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कितना पैकेज मिलेगा, कितनी सैलरी होगी। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत, आपका कॉलेज अच्छा नहीं था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके कैसे भी करके आप अकाउंट्स फील्ड में जॉब पा लेते हो, मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी बड़ी अच्छी कंपनी में पा लेते हो, तो 20-25 हज़ार, 30 हज़ार से कम आपको नहीं मिलने वाला। स्टार्टिंग सैलरी 20-30 हज़ार आपको मिलेगी। तो अप्लाई करो, फॉलो करो, मोटिवेट हो, मुझे मोटिवेट करो। मोटिवेट कैसे करना मुझे यार? सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आने वाले वीडियोस के लिए, बहुत सारी अभी वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।